और दिलराज को बड़े सारे ऑफर्स भी आते रहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद दिलराज भाई के लिए आपका प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने मिस्टर इंडियन हैकर और रजनी चौधरी का इंटरव्यू तो देखा ही होगा। उसी इंटरव्यू में रजनी चौधरी ने बताया कि मिस्टर इंडियन हैकर को सुपर कार ब्लॉन्डी के तरफ से भी ऑफर आया था, फिर भी दिलराज भाई ने रिजेक्ट कर दिया। देखिए, और दिलराज को बड़े सारे ऑफर्स भी आते रहते हैं, ब्लॉन्डी तक के ऑफर आए हैं। And a lounge chair, a silk lounge chair is revealed. And this is the cool thing, you guys. Look, you stand, you can be fully standing, getting into the car, getting in and out. Because, of course, you don't want to... जाते नहीं है, टाइम नहीं अगले के पास। मेन ये कि काफी लोग ये भी पूछते कि भैया यार आप बॉलीवुड में जाओ, ये करो। और एक एक चीज इंटरप्ट करूंगी कि ब्लॉन्डी को मिलना है वो टाइम नहीं है दिलराज के पास, रजनी चौधरी को मिलना तो भाई ने यस कर दिया। नहीं तो भैया मतलब भारतीय पहले है ना, देखा अपने लोग ये सबसे प्यारा हमारे कल्चर का पार्ट है कि अपनी कंट्री अपने देश के लोगों को इतनी रिस्पेक्ट देना। और दिलराज सच में तुम ऐसी बहुत डाउन साउंड करता है, ये बहुत लो सा दिखाता है, लो प्रोफाइल रहता है, लेकिन इतना हाई प्रोफाइल है भाई कि मैं ये बोलूंगी इंडिया नहीं इंटरनेशनली हर कोई तुम्हारे काम को बहुत रिस्पेक्ट से देखता है। मेरा तो बहुत बड़ा बड़बड़। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर कार ब्लॉन्डी कौन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।